हेलो नमस्ते सस्रिकल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीना है, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो मैं मांडी डाल देती। यस आई एम सॉरी, यू नो जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं एंड इंस्टा पे मुझे मैसेज करते हैं और हम लोग कांटेक्ट में हैं, आई नो मैं रेगुलर नहीं हूँ बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ होते रहता है एंड आई वॉज लाइक यू नो ऐसे तो चलते रहेगा कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सो जितना भी हो सके मैं ट्राई कर रही हूँ कि यू नो यूट्यूब में आती रहूँ बीच बीच में हाय हाय करके। सो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनका सिलेक्शन हो गया है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आई मीन आई कांट एक्सप्रेस, आई मीन जब आप लोगों ने मुझे मैसेज किया आई वॉज सो हैप्पी। सो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल्सो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, वैसे तो ये सब पे लागू होता है बट मैं जिस स्ट्रीम से हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके लिए, तो आप चाहे जेट में हो या कतर में हो या एमिरेट्स में हो, कोई भी एयरलाइंस में आप सिलेक्ट हो गए हो, डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास लुई विटॉन होगा, शनेल होगा एंड दे विल डू देयर मैनिक्योर पेडिक्योर रेगुलरली, विच इज नो हार्म, नो समथिंग अरे शो ऑफ, नो 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 नथिंग लाइक दैट। सॉरी, देर विल बी ऐसे लोग जो गाने की आवाज़ आ रही थी ना, देर विल बी ऐसे लोग जो सेविंग्स नहीं करते हो, माइट बी उनके घर पे उनके जो मॉम डैड हो ऑलरेडी, उनकी लाइफ अच्छी सेटल हो, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो लोन वोन की, दैट्स वाई उन लोग सबसे पहले लुई विटॉन बैग्स एंड यू नो क्लब्स में जाना एंड ड्रिंक्स में बहुत खर्च करना, बिकॉज ऑफकोर्स ड्रिंक्स महंगे आते हैं एट दैट टाइम जब तुम स्टार्ट कर रहे हो अपना जर्नी एंड तुम लग्जरी एंड तुम इस सब में खर्च करते हो। आपको हो सकता है ऐसा उनके साथ फिट होने के लिए कि चलो ब्रांडेड बैग्स एंड लग्जरियस चीज़ें खरीदते हैं एंड क्लब में जाते हैं, पार्टी करते हैं, ग्रुप चाहिए, अकेलापन फील होता है। आई सजेस्ट कि रहना उनके साथ, बट आप उनके साथ भी रहना जो आप जैसे हो, जो समझता हो कि अभी हम इतने दूर घर से आए हैं कमाने के लिए, सेव करने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो हम लोग क्रेव करते हैं ऑफकोर्स कि ये खरीदने का मन है, मेरी ये पसंद है, वो हम बाद में भी खरीद सकते हैं। तो आप ये मत भूलना कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, आप कमाने आए थे, फ्रेंडशिप हो जाती है उस दौरान, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ा दो। बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे फिर पैसे मांगना शुरू कर देंगे, उनकी मदद करना जो रियली नीड में है या आपका बहुत करीब है, वरना आप पैसे देते रह जाओगे एंड आपकी खुद की कुछ सेविंग्स नहीं हुई है, यहाँ पे आप लग्जरियस चीज़ें खरीद रहे हो, यहाँ पे जो लोग सोच रहे कि अरे वाह इसकी तो लाइफ चेंज हो गई है, चलो इससे भी पैसे मांगते हैं, आप उनको भी दे दोगे, आपको होगा मैं ना कैसे बोलूँ, और आपका बस यू नो खर्च होते होते रह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 3-4 साल कहाँ चले गए और पैसे उड़ गए। अगर आपको पैसे उड़ाने ही हैं तो मैं बहुत सारे ऐसे क्रू को भी जानती हूँ जो लोन लेके यू नो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो रेंट पे डालते हैं, उनका उसमें से पैसे भी आते रहता है और यहाँ से वो लोन भी चुकता करते रहते हैं, फिर वो दूसरा घर खरीदते हैं, फिर रेंट से वो लोन का भी पे होता है, वो खुद भी पे कर रहे होते हैं, या कभी कभार ब्रदर सिस्टर या जो भी है वो भी डाल रहे रहते हैं साथ में। अगर आपकी लाइफ में कुछ फैमिली में आई मीन ऐसे लोग हैं जो सेम गोल रखते हो एंड आपकी भी खुद भी ऐसी गोल हो, तो प्लीज़ आपका मन होगा वो टाइम पे कि चलो मैं ये खरीदती हूँ, वो खरीदता हूँ, 3 साल बाद 4 साल बाद इकट्ठा करना धीरे 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 एंड वो ले लेना जो आपको चाहिए। LV खरीदना, शनेल खरीदना बुरी बात नहीं है, बिकॉज डिपेंड हम जिस फैमिली से आते हैं, हम जो भी चीज़ लेते हैं हम उसको बहुत टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि हम किसी भी लग्जरियस ब्रांड को किसी को गिराने के लिए नहीं खरीद रहे कि मेरे पास ये है, तब तक नथिंग इज लाइक बैड। बस मैं आपको ये बोलूँगी कि घूम फिरना है, क्लब में जाना है, पीना है, सब कुछ लिमिटेड,
वो सब आपके लाइफ में आएगा, ट्रस्ट मी. एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको फिर ड्रिंक्स पीने के लिए इतने पैसे फील नहीं हो रहे कि मैंने उड़ाया है, या एलवी खरीद रही हूँ तो इतना कुछ फील नहीं हो रहा, बिकॉज आपको पता रहेगा कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है. आपके 2-3 घर हो चुके हैं, रेंट आ रहा है. कल को आपको ये जॉब से आप थक गए हो, आपको रिजाइन करना है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैंने क्या किया है, बिकॉज कितने क्रू थे जिनका कोई घर नहीं है. वो बोल रहे हैं कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने 3-4 साल गुजार दिया यहाँ पे, पर मैंने कुछ सेविंग भी नहीं किया, अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. अब उनको और 4 साल गुजारना पड़ रहा है, जबकि उनका गोल था कि मुझे ये स्किल सीखना था, मेकअप आर्टिस्ट बनना था, मुझे कैफे खोलना था. अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे और 3-4 साल गुजारना पड़ेगा फैमिली से दूर. सो प्लीज़ ट्राई करना, भूलना नहीं कि आप अपना कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में क्यों गए थे. कुछ लोग आएंगे और आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे बहुत जल्दी से. हर एक का टाइम फिक्स करना कि कब चीज़ें खरीदनी है, इन दोस्तों के साथ कब मिलना है, कितना खर्चा करना है. मैं जब जा रहा हूँ उनके साथ ग्रुप में पीने के लिए बैठ रहा हूँ, तो कितना ड्रिंक मैं ले सकता हूँ, पी सकता हूँ, भले आपके पास पैसे होंगे वो ड्रिंक को खरीदने के लिए, बट गोल क्या है, क्या कहाँ पहुँचना है. बट बेस्ट थिंग स्टिल आई टेल इज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. ऑफकोर्स आप मुंबई से हो, जैसे मैं जानती हूँ, मैं बाकी कंट्री बोल रही हूँ, हाँ, बट वैसे भी क्रू है जो जकार्ता एंड ऑल में भी इन्वेस्ट करते हैं. बट हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, तो मुंबई है तो फॉर एग्जाम्पल दे कैन यू नो हैव लाइक 25-30 लैक्स या 45-50 लैक्स तक का. उन लोग ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ओल्ड है, जहाँ पे बिल्डर आने के चांसेस है, और बिल्डर उनको फिर मंथली या तो एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज ही पैसे दे देता है, फिर वो पैसे लेकर और लोन लेकर आप दूसरा प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. फिर ऐसे करके वो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो जूना है और जहाँ पे बिल्डर आने के चांसेस है, एंड वो भी पैसे देते हैं आपको मंथली रेंट वाइज, या तो एक अमाउंट सब साथ में टोटल समटाइम्स, एंड फिर वापस से आप तीसरा घर, वाया 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 आप ये बना सकते हो. फिर आपको जा जितना पीना है, जो एलवी लग्जरियस चीजें खरीदनी है अपने लिए, दूसरों को दिखा ये करने के लिए नहीं कि देखो मैं क्या हूँ. नो नो नो, बिकॉज आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे वहां पे जो आपको गिराएंगे जस्ट बिकॉज दे हैव एलवी और सम ब्रांडेड चीजें, विच डजेंट मेक सेंस. तो वो आपके लिए है, वो आपके अच्छे के लिए है, उस पर मेरा क्या फायदा, आप हमें क्यों दिखा रहे हो, आप हमें क्यों गिरा रहे हो. दिखाना है समथिंग डिफरेंट. जैसे कि मेरी दोस्त आफ्टर 4 ईयर्स वो गई और उसने एलवी खरीदा, एंड शी इज लाइक ही नो मैंने एलवी खरीदा फाइनली. आई नो दैट खुशी. वो शो ऑफ नहीं कर रही है, वो ना मुझे गिरा रही है यहाँ पे. इट वॉज लाइक अवार्ड उसके लिए कि उसने इतनी मेहनत की एंड उसने इतना इन्वेस्ट किया, एंड नाउ फाइनली उसने तभी अपना मन मारा एंड अब उसने जाके लिया, अपने फैमिली को सेटल किया. सो दैट वॉज दैट काइंड ऑफ खुशी, एंड ऑफकोर्स वो बहुत सेफली इस्तेमाल कर रही है, एंड वही इस्तेमाल कर रही है अब, और कुछ लग्जूरियस इतना जल्दी नहीं खरीद रही है टाइम टू टाइम, बिकॉज ऑफकोर्स उसके वापस से कुछ और गोल है जो उसको अचीव करना है, एंड माइट बी देन एज अ अवार्ड वापस वो दूसरा लग्जूरी कुछ भी खरीदेगी जो उसे खुशी मिलती है. तो वो शौक है, वो भी पूरे हो जाते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्ट भी होता है. तो प्लीज या एंजॉय करना, ले ओवर्स यहाँ वहाँ घूमना खाना पीना, उस पर मत सोचना पैसा खर्च करने से पहले, बट हर चीज लिमिट के साथ. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच मुझे इंस्टा में मैसेज करने के लिए, एंड आई विल ट्राई कि मैं वापस से धीरे धीरे आती रहूँ. और एक वीडियो जो मैंने डिलीट किया था, आई डोंट नो, आई बिकेम सो ओवरवेल्म्ड कि मैं एकदम अच्छे जोन में हूँ, मैं ट्रिगर होके पास्ट में जाके कि वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सो मैंने डिलीट कर दिया. बट मैं वापस से उसे अपलोड करने वाली हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग कि उसको ट्रांसफर करूँ, अपलोड करूँ, बिकॉज मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ ओल्ड वीडियो वापस से अपलोड. बट जैसे ही मुझे इंस्टा में मैसेज आया कि आपने वो डिलीट क्यों किया, मैंने तो डाउनलोड करके भी रखा था एंड बहुत रिलेट कर पाए, तो मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी, बट मैंने बोला ओके, आई अपलोड अगेन. सो
ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच. आई नो मेरे सब्सक्राइबर्स कम है एंड मैं बहुत कम आती हूँ, तो नो कम्प्लेन्स. बट जो भी है, आप जितने भी हैं, आप जो मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हो और व्यू करते हो और लाइक करते हो, अच्छा लगता है यार. सो यस, गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से रहना, मज़े करना. बाय.